हे भगवान, तेरा धन्य है तूने आज मेरी ऐसी बॉडी बनाई और आज ऐसा दिन आ गया कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे इतना प्यार करते हैं। अब देख मैं उनके लिए कैसी बढ़िया सी चीज करके आता हूँ। सो गाइस, अब आपने सुन लिया, अब मैं आपको बताता हूँ वो विश है क्या। देखो, बात है कुछ ऐसी कि 20 जुलाई को है तुम्हारे भाई का जन्मदिन, बर्थडे, एंड ऑल्सो मैं ये बर्थडे आप सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। यस, एंड सो मी एंड शुभम हमने बहुत टाइम तक सोचा इसके बारे में, एंड नाउ वी हैव डिसाइडेड कि हम एक मीटअप करने वाले हैं। मीटअप जो होने वाला है वो होगा कहाँ, पहले तो ये बताता हूँ मैं आपको। तो वो होगा न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली सीपी यानी कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क के अंदर। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ आपको आना कितने बजे है वहाँ पे, मतलब उसका टाइम, और आपको पहुंचना है वहाँ पे 4:30। देखो 4:31 नहीं होने चाहिए, 4:30 मतलब 4:30 प्लीज। देखो आप सबको आना है, मुझे नहीं पता यार, देखो तुम्हारा भाई तुमसे इतना प्यार करता है इसलिए तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहा है और अपना बर्थडे अब तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर रहा है। तो देखो यार तुम्हें आना है, प्लीज आ जाओ, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये प्लान कर रहा था। सो प्लीज 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 अब आप आ जाओ, एंड बस एक छोटी सी हेल्प कर दो भाई की, बस एक छोटी सी हेल्प यार। मुझे ना एक एक्चुअल में छोटा सा बस रफ नंबर चाहिए। सो अगर आप पक्का लाइक 110% आने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर #yes लगा देना, मैं समझ जाऊंगा आप आ रहे हो। प्लीज गाइस इतनी सी हेल्प कर देना, बस कमेंट करना #yes, और क्या यार छोटा सा ये कर देना भाई के लिए, बहुत बढ़िया है। और मीटअप पे काफी सारी चीजें होंगी बिकॉज आपको पता नहीं है मैं बहुत अलग अलग टाइप के लोगों को बुला रहा हूँ। वो लोग जो है बहुत बढ़िया है, मेरे इकलौते दोस्त हैं वो, और वो बहुत अलग है और वो बहुत बढ़िया है। आप उनसे मिलना है, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मैं किन लोगों के साथ घूमता हूँ, एंड हम बहुत बढ़िया बढ़िया इवेंट्स करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो गाइस अब प्लीज़ यार आ जाओ, मुझे नहीं पता, देखो 20 जुलाई को बर्थडे, 21 साल का हो रहा, जल्दी आ जाना, बस मुझे नहीं पता। सीपी सेंट्रल पार्क न्यू दिल्ली, प्लीज़ बी ऑन टाइम। Hey fam, what's up? This is Archit and you're watching Aesthetically, the channel that adds banter to fitness. अब हम वीडियो शुरू करते हैं, एंड सबसे पहले मैं आपके सामने मिथ बस्ट करूंगा वो वाला कि हाइट रुक जाती है। दूसरी चीज, मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो एक्चुअल में आपकी हाइट बढ़ने में हेल्प करेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हाइट जरूर बढ़ाएगी, बट जरूर हेल्प करेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मेल्स होते हैं उनकी हाइट 21 to 22 तक बढ़ती है उनकी हाइट, एंड फीमेल्स की टिल 18, लाइक 18 to 19, मैक्सिमम 19 इन वेरी रेयर केसेस, बट 18 तक बढ़ती है। हाइट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन योर जेनेटिक्स, मतलब बहुत डिपेंडेंट होती है आपकी जेनेटिक्स के ऊपर, ये तो मैं जरूर कहूंगा। बट फर्स्ट आई वॉन्ट टू बस्ट दिस मिथ कि यार हाइट रुक जाती है वेट उठाने की वजह से। मैंने कई जगहों पर ये पढ़ा है, सुना है, देखा है कि यार सब लोग कहते हैं, कभी कभार तो जिम के गुरुजीज भी कहते हैं कि यार शोल्डर की एक्सरसाइज मत करो। मतलब अगर कोई छोटा लड़का आ गया कोई 14-15 साल का, तो उसको कहेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज मत करो, स्क्वाट्स मत करो, लेग प्रेस मत करो, वरना हाइट रुक जाएगी। यार ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी उस टाइम पे आई वॉज 18 years old, एंड मेरी हाइट उस टाइम पे 5'3" 5'4" थी, उससे ज्यादा नहीं थी। एंड मेरे को भी काफी लोगों ने बोला था अगर जिम करेगा भारी वेट उठाएगा तो तेरी हाइट रुक जाएगी, बट नेवर माइंड, मुझे उस स्टेज से फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मेरा वेट ही इतना कम था, मुझे हाइट से फर्क ही नहीं पड़ता था। अब मैं 21 का होने वाला हूँ एंड मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5'10" है, एंड मैं आपको सच बता रहा हूँ, भगवान कसम झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने आज तक कभी कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं करी हाइट के लिए, सच बता रहा हूँ। मैंने आज तक कभी कोई दवाइयाँ नहीं ली या फिर कोई वो बाबा या फिर कोई भी किसी की रेमेडी वगैरह या कुछ नहीं लगाई या कुछ भी ली। तो मैं आपको बताना यही चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी बिल्डिंग से आपकी हाइट नहीं रुकेगी यार, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग से यार मतलब क्या है उसका, मुझे तो ये समझ नहीं आता। एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप अपना बॉडी मास बढ़ा रहे हो, क्या आपका बॉडी मास सिर्फ ऐसे हॉरिजॉन्टली बढ़ेगा? नहीं, वो हर एक डायरेक्शन में बढ़ेगा, हर एक एंगल में बढ़ेगा। नाउ आई एम गोना शो यू सम एक्सरसाइजेस जो आपको हेल्प करेंगी एक्चुअल में आपकी हाइट इंक्रीज करने में, एंड मैं आपको ये नहीं कह रहा आपकी हाइट डेफिनेटली इंक्रीज होगी बिकॉज आई एम टेलिंग यू वो जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आपको कोई भी कहता ना ये करो या फिर ये लो तो हाइट बढ़ जाएगी, तो उसकी प्लीज मत सुनना, आप अपना कटवाओगे। ऑलमोस्ट आपकी 1 inch हाइट जरूर बढ़ेगी, लाइक समटाइम्स मोर समटाइम्स लेस, समटाइम्स इवन 2 inches to 3 inches भी बढ़ सकती है। सो प्लीज जरूर ट्राई करना। सो आई शो यू नाउ। तो गाइज अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है तो सबसे पहले तो आपको लटकना हो, एंड इवन एक्सपर्ट्स ये चीज कहते हैं, ये प्रूवन है कि ग्रेविटी हमारी स्पाइन हमारे जॉइंट्स को कंप्रेस कर देती है जिसकी वजह से हमारी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं एंड हम छोटे लगते हैं, एंड इससे आपकी बॉडी में जितनी भी मसल्स एंड बोन्स है वो सारी सारी स्ट्रेच होंगी एक बारी में।
सो गाइज लटकना तो बहुत ज़रूरी है। सो गाइज अब दूसरी एक्सरसाइज जो है वो इरेक्टर स्पाइने की एक्सरसाइज है, मतलब लोअर बैक मसल्स जो होती हैं उसकी एक्सरसाइज। एंड कुछ एक्सरसाइज नहीं है, बेसिकली ये स्ट्रेचिंग ही है जिसके अंदर आप अपनी लोअर बैक स्ट्रेच कर रहे हैं। एंड इरेक्टर स्पाइनर एक मसल होती है जो बहुत ज़रूरी होती है स्ट्रेच करनी अगर आपको अपनी हाइट इंक्रीज करनी है तो। एंड गाइज नेक्स्ट चीज़ जो है वो है स्विमिंग। येस गाइज आपको पता है एक ओवरऑल वर्कआउट शायद ना स्विमिंग से ही हो सकता है सबसे बेस्ट। एंड जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं इतनी सारी मसल्स, ये सारा सर्कल हो रखा है, दीज ऑल आर मसल्स दैट आर इन्वॉल्व वाइल वी आर स्विमिंग। सो गाइज आप सोच सकते हो दीज आर लाइक 24 डिफरेंट मसल्स। सो गाइज स्विमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर हाइट, बिकॉज इससे आप अपनी पूरी बॉडी स्ट्रेच करते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड एज ऑलवेज सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे एक सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन होगा उसको दबा देना, एंड उसके साइड में एक बेल आइकन होगा उसको भी जरा दबा देना। एंड पता है आपको उससे होगा क्या, आप एस्थेटिकली की वीडियो कभी मिस नहीं करेंगे। गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप। नाउ आई विल कैच यू नेक्स्ट थर्सडे एट 5 PM।